नमस्कार, डेली डायरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच आज पांचवां और अंतिम एक दिवसीय मैच खेला जाएगा। भारतीय टीम इस मैच को जीतने के साथ ही श्रृंखला जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी। इससे पहले चौथे एक दिवसीय मुकाबले में वेस्ट इंडीज ने टीम इंडिया को धूल चटाई थी, जिसके बाद भारतीय टीम के बल्लेबाजों की कड़ी आलोचना हुई थी। चौथे वनडे में भारत को वेस्ट इंडीज ने 190 रन का लक्ष्य दिया था, जो कि भारत के बल्लेबाजी क्रम को देखते हुए आसानी से चेज किया जा सकता था, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों की धीमी बल्लेबाजी और महेंद्र सिंह धोनी की धीमी बल्लेबाजी के कारण भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था। इस मैच में भले ही भारतीय टीम पिछले मैच से हार के बाद आई हो, लेकिन अभी भी भारतीय टीम की जीत के प्रबल दावेदार हैं। अगर परसेंटेज की बात करें तो इस मैच में भी भारतीय टीम के जीत के 70% चांसेस हैं, क्योंकि भारतीय टीम एक बार हार सकती है, लेकिन वेस्ट इंडीज जैसी कमजोर टीम के खिलाफ लगातार दो मैचों में हारना उसके लिए बहुत ही शर्मनाक होगा और ऐसा मुमकिन भी नहीं दिखता। आज के मैच में पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को रेस्ट दिया जा सकता है।